स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, हाउ टू बूस्ट मेमोरी पावर। मेरी बहुत सी वीडियोस में ये कमेंट आया है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, मैं कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रख पाता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं यह भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। तो सर प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की याददाश्त की कमजोरी से परेशान हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। स्मरण शक्ति क्या है? व्हाट इज मेमोरी? स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अनुभवों को याद रखकर भावी जीवन के कर्मों का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए, यदि आपको अपने भूतकाल यानी अपने पास्ट का कुछ भी याद ना रहे, तो आपकी स्थिति कैसी होगी? आप एक नवजात शिशु से अधिक कुछ भी नहीं होंगे। स्मरण शक्ति के अभाव में यानी मेमोरी पावर के अभाव में आपका हर दिन एक नए सिरे से आरंभ होगा। फिर ना आप बोलना सीख पाएंगे, ना ही सुनकर कुछ समझ ही पाएंगे। जो कुछ भी हमें आज आता है, वह सब इस स्मरण शक्ति का ही परिणाम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक स्मरण शक्ति ही है जिसकी सहायता से मनुष्य जीवन के अनुभवों से शिक्षा ले सकता है। इसका उदाहरण आप अपने घर से ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा जब वह पैदा होता है, तब उसको कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है और लोगों को ऑब्जर्व करता है, तो उससे आप कभी भी पूछ लीजिए, एक साल बाद भी पूछेंगे यह कौन है, तो वह उसका उत्तर सटीक तौर पर दे देगा कि यह कौन है, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति कार्य कर रही है, उसकी मेमोरी पावर जो है वह वर्किंग है। यदि एक अध्यापक अपने विषय का सारा ज्ञान भूल जाए, तो उसका क्या महत्व रहेगा? यदि एक डॉक्टर अपने चिकित्सा के उपचार भूल जाए, तो क्या वह मरीज को ठीक कर पाएगा? यदि एक किसान को खेती का कोई अनुभव ही ना रहे, तो क्या वह अच्छी फसल उगा सकेगा? नहीं, कभी नहीं। जीवन में अनुभवों का महत्व तभी है जब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है। इसलिए ईश्वर ने सभी जीवों में स्मरण शक्ति प्रदान की है। बस अंतर केवल इतना है कि किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन है सब में। मनुष्यों में पागलों को छोड़कर किसी को भी स्मृति से रहित नहीं कहा जा सकता। तो सवाल यह आता है कि जब ये स्मरण शक्ति होती है, तो ये स्मरण शक्तियां होती कहां पर हैं? आपने चेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत से YouTube पर वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आपको चेतन और अवचेतन मन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया होगा। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड आपके जागने तक ही जागृत रहता है और आपको दैनिक जीवन के निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड आपके सो जाने के बाद भी क्रियाशील रहता है। यह अवचेतन मन ही है जिसे पुराणों में चित्रगुप्त कहा गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी आपका अवचेतन मन आपके दिन भर के क्रियाकलाप का रिकॉर्ड रखता है और रात को आपके सपनों का ताना बाना बुनता है। यानी आपने पूरे दिन में क्या किया, इसका पूरा रिकॉर्ड आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है। अवचेतन मन अंकित अनुभव ही हमारी स्मृति कहलाता है, जो जरूरत पड़ने पर हमारे स्मृति पटल पर उपस्थित हो जाता है, जो किसी परिस्थिति के प्रति सही निर्णय करने में हमारी मदद करता है। अर्थात स्मरण शक्ति यानी हमारी मेमोरी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में निवास करती है। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है। जब जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे, तब तब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक सिग्नल भेजेगा जो आपको यह अलर्ट करेगा कि यह व्यक्ति धोखेबाज है। आप उसको उस धोखेबाज की निगाहों से ही देखेंगे। आप हमेशा यही कहेंगे कि यह धोखेबाज है। यानी आप जिस किसी की स्मृति को देखना चाहते हैं, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके पटल पर उसको प्रदर्शित करता है और आप आसानी से पहचान पाते हैं कि कौन क्या है। अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड विशुद्ध रूप से आत्मा में स्थिर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। यही अच्छे और बुरे कर्म यानी जो कुछ भी आपने अपने जीवन काल में किया है, आपके अवचेतन मन में स्टोर होता रहता है। यही आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है और जन्म, आयु, कर्म और भोग का निर्धारण करता है। तो स्मरण शक्ति क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है, अब आप यह जान चुके हैं। चलिए जानते हैं कि स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। स्मरण शक्ति का
हमारे शरीर के हेल्थी होने से सीधा संबंध है। कहा भी गया है, अच्छे शरीर में अच्छे मन का वास होता है। इसलिए आपके लिए सबसे पहला काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, हेल्थी रखना। इसलिए आपको प्रतिदिन आहार, विहार और आचार तथा विचार का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ शारीरिक व्यायाम का स्मरण शक्ति पर बेहद प्रभाव पड़ता है। आज का आधुनिक जीवन विज्ञान ने इतना आरामदायक बना दिया है कि वह आराम ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज अधिकांश लोग मोटापे से पीड़ित देखे जाते हैं। इसलिए यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने जीवन में योग, आसन व व्यायाम को स्थान देना चाहिए। अब आप यह देख भी सकते हैं कि लोग मेडिटेशन के प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप रोज जब उठते हैं उससे थोड़ा जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह की ताजा हवा में थोड़ा टहल लीजिए। यदि आप योगासन की जानकारी रखते हैं तो उनका अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मांसपेशियां मजबूत और लचीली होंगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपका मन शांत रहेगा और स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। देखिए, हमारा भोजन कैसे हमारे स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालता है। हम जो कुछ भी खाते हैं अंततः हुआ विभिन्न घटकों में बटकर हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को पोषण प्रदान करता है। जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। उसी के अनुसार स्मरण शक्ति का विकास होता है। जिस घर में हमेशा सात्विक अन्न खाया जाता है वहाँ के बालकों की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। इसलिए हमेशा सात्विक और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। स्मरण शक्ति को तीव्र करने के लिए प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए। इसके लिए हरी सब्जियां और दाल सबसे अच्छा स्रोत हैं। यदि शुद्ध गाय का घी, दूध और दही मिल सके तो यह सर्वोत्तम है। देखिए, प्राणायाम भी कहीं ना कहीं स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालता है। जहां चित्त वहां प्राण। प्राण का सीधा संबंध मन से है। प्राण ऊर्जा ही है जो स्मरण शक्ति के रूप में उभर कर आती है। प्राणों के आयाम अर्थात प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही प्राण ऊर्जा जहां चित जाएगा वहीं अपना प्रभाव दिखाएगी। इसलिए हमें प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। देखिए, यहां यह बहुत जरूरी है कि जिन्हें स्मरण शक्ति यानी अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है, उन्हें अपना हर कार्य एकाग्र होकर कंसंट्रेट होकर करना चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे कारगर उपाय है मेडिटेशन, ध्यान। जिन्हें ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए समय मिल सकता है, उनके लिए ध्यान ही स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि सभी अभ्यास ध्यान से सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए ध्यान सबसे उत्तम साधन है। किसी भी कार्य की स्मृति हमारे मस्तिष्क पर अच्छे से बने, इसके लिए कार्य का एकाग्रता के साथ होना बहुत आवश्यक है। एकाग्रता जो यदि आपको बढ़ानी है तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तन्मय होकर यानी लीन होकर ध्यान करने से भी एकाग्रता का विकास होता है। स्मरण शक्ति के विकास के लिए ध्यान की प्रक्रिया सामान्य से थोड़ी अलग होती है। ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है और ध्यान के क्या फायदे हैं, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से उस वीडियो को देख कर ध्यान करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। यार, लाइक करते रहिए, आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियोस आपको कंसंट्रेट करने में सहायता करती होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।